अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो भाई लोग, स्टोरी ये है कि मेरा स्कॉटलैंड का प्लान बना। मैंने 30 मिनट्स लगा के वाइफ को कन्विंस किया कि मुझे अकेले स्कॉटलैंड जाना चाहिए। उसने नेक्स्ट 30 सेकंड में मुझे बताया कि हम पूरे ख़ानदान के साथ जा रहे हैं। खैर, हमारा फर्स्ट स्टॉप था मैनचेस्टर, जहाँ हम पाशा वाइब्स पर गए। सो बॉयज़ कुड डू सम शीशा वीशा। बस ठीक था, एवरेज था। और नेक्स्ट डे हम पहुंचे होप वैली इन पीक डिस्ट्रिक्ट। यार क्या ही जगह है, इजीली यू कैन स्पेंड होल डे ओवर देयर। खैर, हम हाइकिंग का सोच रहे थे, इतनी देर में हमारे बड़े से लेकर छोटा लूमड़ा सारे ऊपर चले गए। खैर, ऊपर चढ़ना आसान है पर उतरना मुश्किल। फिर जवियार के अंदर से पाकिस्तानी पंजाबी निकला और भेड़ों को पकड़ने की नाकाम कोशिश की। वहाँ कुछ केव्स भी थी तो हमने सोचा यार जाके थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। खैर, किसी ने अंदर से आवाज लगाई, बाप बेटे दोनों की पैक हो गई। जवियार से मैंने जबरदस्ती टाइटैनिक का पोस्ट करवाया। बड़ा ही ब्रेव बच्चा है, शक्ल से पता चल रहा है ना। नेक्स्ट स्टॉप लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट पहुंच के हमने क्रूजिंग की। खैर, हवा ज़्यादा होने की वजह से हम वो नहीं कर सके, वो क्या कहते हैं उसे, छोटी हरकतें। वो फिर हमने स्टीम वाली ट्रेन के बाहर जाके की। और फिर हम फाइनली पहुंचे अपने स्कॉटलैंड में। यार लेकिन जो स्कॉटलैंड ने हमें वेदर और व्यू के साथ वेलकम किया, यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना खूबसूरत मंजर था। फर्स्ट स्टॉप एडिनबरा कैसल। खैर, यहाँ करने को बहुत कुछ था तो हमने सोचा यार कैसल की ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट को देखा जाए, या फिर ये स्कर्ट वाले बाइक के बैक पाइप सुने, या फिर इन आंटी का गाना सुने, जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आया लेकिन हाँ अच्छा बोल था। बाय द वे, बी केयरफुल, यहाँ बच्चे अपनी जुबान वड लेते हैं। चलो आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे लेकर चलता हूँ। जैसे ही आप एडिनबरा से हाईलैंड्स की तरफ निकलते हैं, यार क्या ही नज़ारे हैं, पहाड़ों के पहाड़ फूलों से भरे हुए हैं। नेक्स्ट स्टॉप लॉक नेस लेक। हमने सोचा शायद हमें लॉक नेस मॉन्स्टर नज़र आ जाए जिसकी वजह से यह जगह मशहूर है, पर यहाँ एक छोटा सा सांप ही नज़र आया, शायद वो उसी का पुत्र हो। मॉन्स्टर तो नहीं मिला पर शुक्र है होटल मिल गया। होटल वैसे अच्छा है, नॉट बैड, डबल बेड, टीवी, बच्चों के लिए बंक बेड, सो कांट कंप्लेन। इसकी खुशी में एक डांस तो बनता है भाई। नेक्स्ट डे अनफॉर्चुनेटली बारिश की नजर हो गया और हम घर से निकल भी ना सके, बस यो यो ही करते रहे। नेक्स्ट हम सुबह सुबह उठ के कि यार लोकल एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। इससे पहले कि हम कहीं जाते, उन्होंने बोट के गुजारने के लिए ब्रिज ही बंद कर दिया। खैर, फिर मैंने ब्रिज वाले अंकल की बड़ी मिन्नतें छिन्नतें की। खैर, उन्होंने मेरे ख्याल में स्पेशली मेरे लिए ब्रिज खोल दिया।
मैं सबको टूर गाइड बन के वॉक पर ले गया। मेरे ख्याल में वो लास्ट डे था जब मेरी फैमिली वालों ने मेरे पे ट्रस्ट किया। खैर मैंने उनको कहाँ कहाँ से नहीं गुजारा, टाइनी ब्रिजेस से, फिर जंगलों से, फिर ओपन फील्ड से, फिर लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी से, कीचड़ और पानी से। और तो इलेक्ट्रिक फैंस से भी। आप सारे मुझे छोड़ के जा रहे हैं? खैर गलती तो उनकी है ना, मेरी सुनी क्यों है? क्या कंधे चुपड़ लग गए? सरफराज भाई आपका क्या ओपिनियन है? I think we should carry on walking. Okay. ये हम जंगलों में आ चुके हैं और दानियाल ने हमें प्रॉमिस किया है कि देयर बी अ वैली व्हिच आई डाउटेड। नीलम क्या रिव्यूज हैं आपके इस बारे में? ये जो हम रास्ता चुन के आए हैं बहुत खूबसूरत है। अदिल भाई आपके क्या रिव्यूज हैं? बड़े प्यारे प्यारे फूल लगे हैं, फूलों से भरा हुआ। वैसे तो मैं बहुत बेइज्जती प्रूफ हूँ, लेकिन जब 10 लोग एक साथ मिलके आपकी बेइज्जती कर रहे हो तो ऐसी शक्ल बानी जाती है। नेक्स्ट डे हम आई लव स्काई के, जहाँ मेरे ओपिनियन में यूके की सबसे खूबसूरत जगहें हैं। टाइम कम होने की वजह से हम डिफरेंट पॉपुलर लोकेशन पे सिर्फ टच डाउन ही कर सके। फर्स्ट स्टॉप था किल्ट रॉक वाटरफॉल। जगह दो रीजंस की वजह से मशहूर है, एक तो वाटरफॉल की वजह से, सेकंड यहाँ कहते हैं डायनासोर्स का स्टेप भी है। सेकंड स्पॉट था द स्टोर। ये जगह पॉपुलर है डिफिकल्ट हाइकिंग की वजह से, सो विद किड्स नो चांस। फिर हम हमारे लास्ट स्टॉप पे गए। आई मस्ट से यूके में इससे ज़्यादा हसीन जगह मैंने नहीं देखी। ये वीडियो और पिक्चर्स बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती यहाँ की खूबसूरती को। इस जगह का नाम है फेरी पूल्स। यहाँ माउंटेन के टॉप से पानी आ रहा है जो कि छोटे छोटे पॉन्ड्स और पूल्स बना रहा है। ये आप साथ साथ वॉक करते जाएँ तो ये पॉन्ड्स और पूल्स आपके ऊपर तक आते हैं। यहाँ नॉर्मली गर्मियों में लोग आके स्विमिंग भी करते हैं, पूल में टाइम भी स्पेंड करते हैं, पर हमारे बच्चों ने सोचा हम किधर अब दोबारा गर्मियों में आएंगे, जो करना है आज ही करेंगे। वन आउट, मॉम टू द रेस्क्यू फॉर द सेकंड वन। ओए कोई तीसरे को तो देखो, ओए कोई तो रोक लो। हमारा तो ये चलता रहता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।